पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैं अभी बाकी 200 रोपवे केबल कार फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ, 10 के अवार्ड अभी कर दूंगा आचार संहिता के पहले। और अब मेरा सपना है ये धौला कुआ से, ये रोड में कितना जाम था आपको पता नहीं, मैं मंत्री बना मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी, यही आधा घंटा रहता था, तो मैंने पहले ये रोड बनाया ये झोला कुआ का। अब मैं यहां से पूरे मानेसर तक एक हवा में चलने वाली 40 सीटर की बस चला रहा हूं, अगर सोच रहा हूं दिल्ली से मुंबई मैं इलेक्ट्रिक बस चला रहा हूं। अभी मैं जेकोस्लाविया स्कोडा के फैक्ट्री में गया था और वहां मैंने 3 बसेस को जोड़कर ट्रॉली बस देखी, और दिल्ली से जयपुर मैं ये बस शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें ये बस में एयर कंडीशन होगी, इसमें बिजनेस क्लास होगा, लैपटॉप पर आप देख सकेंगे, 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे, और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और पोल्यूशन 0 होगा। एक्चुअली फ्रेंकली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि 10 साल में ये एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। 1,68,000 मौतें होती है, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, और मरने वालों की संख्या जो है 18 to 35, इस ग्रुप के 60% लोग मरते हैं, और इसका कारण है एक रोड इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, दोनों में हमने सुधार किया। तीसरा एजुकेशन और इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी, इसमें भी काम हुआ, हम लोग सभी की मदद करते हैं, आदरणीय स्वामी जी भी बैठे, इनको भी हमने अभी कल में अमिताभ बच्चन जी के साथ सुधामूर्ति के साथ हमने कार्यक्रम किए, स्वामी जी ने को भी पिछले साल अमिताभ बच्चन और वो और हम सब उसको प्रचार करते हैं। पर एक बात जरूर है कि हमारे हिंदुस्तानी लोगों का माइंड सेटअप ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा कि रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए, अगर स्कूटर चलाना है तो हेलमेट लगाना चाहिए, मोबाइल फोन कान को लगाकर गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, स्कूटर नहीं चलानी चाहिए, ये छोटी छोटी बातों के बारे में हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं जब महाराष्ट्र में लीडर ऑपोजिशन था तो 4 जगह मेरा पैर टूटा हुआ है, 2 साल मेरे गए, और जिन घर से कोई मृत्यु होती है वो कितना भयंकर उसके ऊपर संकट आता है मैंने देखा है। पर अनफॉर्चुनेटली हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी रोड इंजीनियरिंग में हमने ब्लैक स्पॉट 8,000 निकाले, 4,500 दुरुस्त कर दिए, अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने स्टार रेटिंग लाया, इसके कारण हमारे स्टार रेटिंग के कारण 6 एयरबैग भी लग रही है सब जगह, उसमें जितना होने लायक है वो भी हमने किया। इन्फोर्समेंट में हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट भी लाया, फाइन भी बढ़ा दिया, पर अब हमारी आवश्यकता ये है कि हम कैसा भी करके ह्यूमन बिहेवियर को बदले, जिसमें मीडिया का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग से हम लोगों का माइंड सेटअप, उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कानून भी कड़ा किया है, कैमरे भी लगे हैं, पर लोगों में सुधार नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम है, पर सबके सहयोग से हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं भी लोकसभा लड़ा हूं 2 बार, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब अच्छा कार्य करते हैं तो कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, इसके ऊपर उठकर लोग मतदान करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये हमारे राजनीति का भाग है। और आपको सही बता दूं, मैं तो 90% पॉलिटिशियन हुई नहीं, मैं मैक्सिमम सेवा का काम करते रहता हूं, हमारे क्षेत्र में काम कर रहता हूं, और मेरा विश्वास, और इस बार मैंने कहा भी है कि मैं ना पोस्टर लगाऊंगा ना बैनर लगाऊंगा, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास जरूर आऊंगा, और मेरा विश्वास है कि जो अच्छा काम होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का काम होता है, गरीबों के लिए काम होता है, वो जात पंथ धर्म भाषा की दीवारों को तोड़ देता है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में इस देश की प्रगति और विकास जो हुआ है, जो आप सबके सामने है, हमारा देश कहाँ था और कहाँ है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमें बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, मेजोरिटी मिलेगी, और हमारा सरकार निश्चित रूप से चुनकर आएगा। मुझे बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं, तो मैं सरकारी पैसे पर डिपेंड नहीं हूं, और मैं ये सब बिजनेसमैन है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने हमारा बॉन्ड इश्यू, इनविट बॉन्ड का लॉन्च किया, 7 दिन का टाइम था, और मैं मेरे फैमिली के साथ गोवा में गया, पहले दिन 7 घंटे में, 7 आवर्स इन फर्स्ट डे,
नॉट 7 days, हमारा बॉन्ड इश्यू 7 times ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अब मैं आपको बताता हूं, मुझे धनवान लोगों के पैसे से रोड नहीं बनाना है, मैं जो छोटे लोग हैं उनको 8.05% इंटरेस्ट एश्योर्ड पर ईयर उनको दूंगा, और मंथली जो रिटायर्ड सभी लोगों के अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट जमा करूंगा, तो 8.05 इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरा ट्रिपल ए रेटिंग है NHI का, मुझे कोई जरूरत ही नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं जित आप आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्या मुझे बताएंगे कि 10 साल में मैंने जो डिक्लेयर किया जो कहा वैसे एक भी बात नहीं हुई? क्या कोई हिंदुस्तान का पत्रकार मुझे बता दे? और अब मैं आपको बताता हूं, ये जो हुआ ये ट्रेलर था, असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। अभी इसके बाद बायोफ्यूएल अलायंस इज देयर, अल्टरनेटिव फ्यूएल लॉट ऑफ थिंग, मेथेनॉल, इथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी एंड इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन। आई हैव गॉट हाइड्रोजन कार, द नेम ऑफ द कार इज मिराई, एंड दैट हाइड्रोजन कार इज सो ब्यूटिफुल। एंड एक्चुअली आई एम मेकिंग कन्विंसिंग द पीपल दैट डे बाय डे वी वॉन्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन, यू शुड यूज अल्टरनेटिव फ्यूएल। नाउ आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस होटल, मेनी टाइम आई एम कमिंग टू मेनी प्रोग्राम लाइक दिस, पीपल आर आस्किंग मी इफ यू यूज इलेक्ट्रिक एंड सपोज इज द प्रॉब्लम द चार्जिंग इज क्लोज एंड वॉट टू वी हैपन। नाउ देर इज नो प्रॉब्लम लाइक दिस, आई एम टेलिंग यू विद द कॉन्फिडेंट विद इन 5 years वी विल हैव 100% इलेक्ट्रिक बसेस इन द कंट्री। नाउ देर इज अ वेटिंग लिस्ट इन द इंडियन कंपनीज फॉर इलेक्ट्रिक कार, एंड नाउ देर आर 400 स्टार्टअप स्टार्टेड, दे आर मेकिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, एंड नाउ 50% ऑफ द टू व्हीलर वी हैव एक्सपोर्ट। द साइज ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हेन आई टेकन चार्ज एज मिनिस्टर इट वॉज 7.5 lakh crore, एट दैट टाइम अवर नंबर वॉज 7, एंड दिस इज द इंडस्ट्री विच इज गिविंग मैक्सिमम GST टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। This is the industry which creates 4 crore 50 lakh jobs. This is the industry which is giving maximum export. And today I am telling you, now after 7 years, our number is 3rd.